थैंक यू। वेलकम। थक गए यार। And the award for the best couple of the year goes to Mr. and Mrs. Suleiman. सलमान ये देखें, टीना ने मुझे क्या सेंड किया है। And the award for the best couple of the year goes to Mr. and Mrs. Suleiman. Thank you. बेबी अवार्ड हम सिर्फ तुम्हारी वजह से ही जीते हैं। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। All credit goes to you because you are the best husband. And you are the best wife. शुक्र आज फंक्शन जल्दी खत्म हो गया यार, वरना एनिवर्सरी का केक हमें वहीं काटना पड़ता। ज्यादा मजा आता ना, हमारी सारी फ्रेंड्स भी वहीं पर थे। हाँ, और हमारी जोड़ी को नजर लगा देते। देखो मायरा, आज की रात मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, जस्ट यू एंड मी, कोई तीसरा ना हो। वाओ, यू आर सो रोमांटिक। कैसे कर लेते हो तुम सब? जिसकी तुम जैसी बीवी हो ना, उसको रोमांटिक होने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। 12 बजने वाले, मैं केक लेकर आती हूँ। Wow, that's a beautiful cake. Happy anniversary to us, babe. Happy anniversary. Many more for us. Same to you. By the way, babe, I have something for you. Tumhara anniversary gift. Kya hua, achhi nahi lagi? Achhi hai. Main aapki mohabbat ka tohfa samajh ke rakh leti hoon, lekin wedding anniversary gift nahi. Kyun? Kyunki एनिवर्सरी का गिफ्ट मुझे मेरी मर्जी का चाहिए। ओके, जैसी तुम्हारी खुशी। तो बताइए क्या चाहिए आपको? I need your mobile. बस इतनी सी बात। You know. Along with the passport. What? सिर्फ मोबाइल नहीं, मुझे इसका पासवर्ड भी चाहिए। Are you crazy? ये क्या मजाक हुआ? मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। I'm very serious about it. आज हमें best couple of the year का award मिला है मायरा, और हमारी first wedding anniversary है। And look at you. Password. यार ये अजीब demand है। Demand नहीं है। ये मेरी wedding anniversary का gift होगा। मैं आता हूँ अभी। सलमान। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं कुछ पूछ रही हूँ। क्यों माहौल खराब कर रही हो बेब? आज हमारे पास दो दो खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए। माहौल तुम खराब कर रहे हो सलमान। एक पासवर्ड ही तो मांगा है मैंने। तुम मेरी वफादारी पे शक कर रही हो। तुम खुद मुझे शक में डाल रहे हो। अगर मैं तुम्हारे साथ लॉयल ना होता तो क्या हमें बेस्ट कपल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता? You know, हमारे सब फ्रेंड्स हमारी जोड़ी को आइडलाइज करते हैं। सब चाहते हैं कि वो हमारी तरह हों। We never fight with each other, we never argue with each other। हम हमेशा हर बात पर एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो आज कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारे दिल में चोर है। चोर? Baby, you're so funny यार। इसमें चोरी की बात कहाँ से आ गई? मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो।
then give me your mobile. Yani tum baaz nahi aaogi. Okay. Chalo. And what is the password? Myra. I ask password. No, that is the password, babe. Myra. Tina ka message. Hope your wife liked the ring. वैसे तुम्हारी वाइफ ने कभी भी मेरी सिलेक्ट की हुई चीज रिजेक्ट नहीं की. What is this? मायरा मैं तुम्हें सब बताता हूँ. No, no need to tell me. मैं ये सब कुछ खुद देख लेती हूँ. मायरा, मायरा listen to me, मायरा. मायरा, मायरा. यानी तुमने आज तक जो कुछ भी मेरे लिए लिया है वो सब कुछ टीना की चॉइस थी. Will you please let me explain, यार मायरा? Is there any explanation? जो इस बात को जस्टिफाई कर सके. नो तुम्हारा फेवरेट भिंडी गोश्त बना घर जाते हुए यहां चक्कर लगा लो वरना तुम्हें घर जाके अपनी बीवी का बोरिंग पास्ता खाना पड़ेगा. तुम्हें मेरे हाथ का बनाया हुआ पास्ता बोरिंग लगता है? हाँ मगर कभी तुम पर तो जाहिर नहीं होने दिया ना मायरा. तुम्हारे हाथ से तो फिर भी मजे ले लेके मैंने खाया. इनफैक्ट अपनी उंगलियां तक चाट जाता हूँ यार. ये तो सच बात है. एक साल हो गया है हमारी शादी को और मायरा को आज तक खाना नहीं बनाना आया. What? यानी कि तुम ये सब छोड़ो ना यार मायरा. तुम्हें तो कभी मैंने कुछ नहीं कहा ना. हमेशा तुम्हारी कुकिंग की तारीफ की. हमेशा खाया मैंने. और मैं पागल हूँ जो तुम्हारी सारी तारीफों को आज तक सच मानती रही हूँ. अगर कहो तो तुम्हारी वाइफ को कुकिंग क्लासेस दे देती हूँ. मायरा फोन. नो जस्ट गिव मी द डैम फोन मायरा. हाय अपनी हकीकत का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही तुम्हें. इट्स नॉट लाइक दैट मायरा. ये तो हमारे ट्रैवल एजेंट है ना. हाँ वो नेक्स्ट वीक तुम्हें भूरबन लेके जाना था इसलिए इस्लामाबाद की टिकट्स करवाई थी. सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा यार. सरप्राइज तो तुमने मुझे खूब दिया. वाओ ग्रेट. यानी कि टिकट्स भी तीन है. तुम मैं और टीना. क्या बात है तुम्हारी. अपनी ऑफिस कुलीग का इतना ख्याल रखते हो कि हमारे पर्सनल ट्रिप पे भी उसको साथ लेके जा रहे हो तुम. जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है मायरा. बिल्कुल सही कह रहे हो. जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ भी नहीं है. हम लास्ट ट्रिप पे कब गए थे? Oh yes, I remember. हम नारायण कागन गए थे and it was in June. ये उन दिनों में भी हमारे साथ थी. देखो मायरा बैठो मैं तुम्हें सब समझाता हूँ. मुझे नहीं समझना कुछ. क्या समझाओगे तुम? कि तुम्हारी कुलीग टीना जो कि बकौल तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है इस हद तक तुम्हारी जिंदगी में इन्वॉल्व है कि हर बात में तुम्हारी बीवी की हिस्सेदार है. कैन यू प्लीज लेट मी एक्सप्लेन मायरा. बेवफाई की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती सलमान. मैंने कोई बेवफाई नहीं किया यार मायरा. क्या आज तक मैंने तुम्हें ये मालूम भी होने दिया कि तुम्हारे अलावा मैं किसी और के साथ जिंदगी बांट रहा हूँ? इवन नारायण कागान में भी मैं हर वक्त तुम्हारे साथ था मायरा. एक लम्हे के लिए भी मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा यार. सिर्फ तब तक जब तक मैं जागती रहती थी क्योंकि मेरे सोने के बाद तो तुम फौरन टीना के पास चले जाते थे ना. लुक एट दिस चैट. सब कुछ वाज़े साफ साफ इस चैट से जाहिर हो रहा है. सी दिस. अगर मायरा सो गई है तो ऊपर आ जाओ. टेरेस में बैठ के कॉफी पीते हैं और तुम तो मुझे सारी जिंदगी बोलते रहे कि तुम्हें कॉफी नहीं पसंद. मेरी बात सुनो मायरा. डोंट टच मी. आई लव यू मायरा. आई लव यू सो मच. आई गॉट मिस्टेकन. आई एम सॉरी. कान पकड़ के सॉरी मायरा. मैं
मैं टीना को हर जगह से ब्लॉक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। मेरी मेमोरीज में से ब्लॉक कर सकते हो उसे? भूल जाओ कि मैंने कभी अपना पासवर्ड दिया था तुम्हें मायरा। भूल जाओ? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मेरे इतने लॉयल होने के बावजूद भी मैं ये भूल जाऊं कि तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है? आर यू इन योर सेंसेस? मतलब तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि भूल जाओ ये सब कुछ। चलो ठीक है, सोचो अगर ये सब कुछ मैं कर रही होती तो। मायरा, लुक एट यू, जस्ट लुक एट यू। जाग गया ना तुम्हारे अंदर का मर्द? अगर मर्द ये सब कुछ करे तो कुछ नहीं, उनके एक सॉरी कहने से सब कुछ ठीक हो जाता है। और अगर यही सब कुछ एक बीवी करे तो क्या उसकी सॉरी कबूल हो जाएगी? तुम अब बात को बढ़ा रही हो मायरा। मैं बात को नहीं बढ़ा रही, बात ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है। जस्ट लिसन टू मी मायरा, गॉड डैम इट। व्हाट इज दिस मायरा, क्या कर रही हो? मैं एक चीटर के साथ नहीं रह सकती। मायरा प्लीज प्लीज रुक जाओ। मायरा, किस बेस पे रुक जाऊं मैं? कोई एक वजह आप बता सकते हैं मेरे रुकने की? देखो मैं तुम्हारा कसूरवार हूं मायरा, लेकिन तुम इस बात की पॉजिटिव साइड भी तो देखो। पॉजिटिव साइड? आर यू आउट ऑफ योर माइंड राइट नाउ? क्या अपने पार्टनर को चीट करने की भी कोई पॉजिटिव साइड होती है क्या? हाँ होती है यार मायरा, जब तक दोनों पार्टनर्स पकड़े ना जाए वो एक दूसरे के सामने इनोसेंट होते हैं। क्या मैंने आज तक तुम्हें पता भी चलने दिया कि मुझे तुम्हारी कुकिंग नहीं पसंद मायरा? तुम जो मेरी फूलों वाली शर्ट्स लेके आती हो, आई वेयर देम डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू नो आई हेट देम। ये देखो मायरा, ये आज भी तुम्हारी मर्जी की शर्ट पहनी हुई है मैंने। यार मैं म्यूजिक तुम्हारी मर्जी का सुनता हूँ जो मुझे नहीं पसंद, आई हेट इट। तुम जो म्यूजिक सुनती हो मायरा मुझे बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन सारी रात मैं वो तुम्हारे लिए सुनता हूँ। कई बार मुझे सख्त नींद आ रही होती है मायरा, लेकिन तुम्हारा बातें करने का दिल होता है इसलिए मैं सारी रात तुम्हारे लिए जागता रहता हूँ। और इसी तरह के बेशुमार कॉम्प्रोमाइजेस मैंने तुम्हारे लिए किए मायरा, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। और मेरी तरह के कई शोर इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं मायरा अपनी बीवियों को खुश रखने के लिए। कांट यू सी दैट? ये फजूल लॉजिक्स अपने पास रखो मायरा, प्लीज मायरा जस्ट लिसन टू मी। मायरा बैठो, बात करते हैं मायरा। मायरा यू कांट जस्ट गो, जस्ट प्लीज लीव मी। जस्ट गो मायरा। मायरा 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 मेरी बात सुनो मायरा, मुझे एक मौका दे दो, तुम्हारी कसम मैं सब ठीक कर दूंगा। बस अब कुछ ठीक नहीं होगा। औरत सब कुछ माफ कर सकती है, लेकिन मर्द की बेवफाई माफ नहीं कर सकती। तुमसे मेरी मुलाकात अब कोर्ट में होगी। कोर्ट में? यस, आई नीड डिवोर्स। दिस इज बुलशिट। नो 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 नो। Then give me your mobile. यानी तुम बाज नहीं आओगी? Okay. चलो। ऑन क्यों नहीं हो रहा यार? ऑन हो जाए। ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? मायरा ये ऑन नहीं हो रहा। It's okay. कोई बात नहीं। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम पर शक करूंगी? सच में तुम्हारे फोन का पासवर्ड मांगूंगी? हमें आज बेस्ट कपल का अवार्ड मिला है, एंड यू नो व्हाई? बिकॉज यू आर माय बेस्ट हस्बैंड। मेरी जिंदगी में भी सिर्फ तुम ही हो मायरा। और मेरी जिंदगी में सिर्फ आप। हाँ।